तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आज आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है भाई। फाइनली आप मान के चलो कि आज से आपके बैंक एग्जाम के साल का श्री गणेश हो गया। बिकॉज अब लगातार लगातार आपके दिन पर दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहेगा और इस टाइम आपकी जो तैयारी है वो फिफ्थ गियर में चालू हो जानी चाहिए। मतलब अब कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए तैयारी को लेकर, ठीक है। अब भाई एज पर नोटिफिकेशन जो आपको एग्जाम है वो अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने वाला है। मतलब मोटा मोटा मान के चले तो अब हमारे पास 60 दिन के आसपास का समय रह गया है और अब ये 60 दिन डिसाइड करेंगे भाई इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या इस बार मैं फेल हो जाऊंगा। भाई अगर राइट डायरेक्शन में आगे चलते हो, तैयारी करते हो, तो ये 60 दिन के बाद तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर गलत डायरेक्शन में करोगे तो भाई, या फिर तैयारी अब आलस करोगे, तैयारी नहीं करोगे, तो भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज से लेके अपनी तैयारी को फिफ्थ गियर में कैसे लेके जाना है, अगले 60 दिन को कैसे प्लान करना है, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान लेके आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी डिटेल प्लान क्यों है, बिकॉज इससे ज्यादा डिटेल प्लान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। बिकॉज भाई इस प्लान को ना हम टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3 पार्ट्स क्या है भाई। सबसे पहले कि पहले 15 दिन मतलब आज से लेके अगले 15 दिन हमें क्या करना है, उसके बाद अगले 30 दिन मतलब अगला एक महीना हमें क्या करना है, और उसके बाद अगले 15 दिन हमें क्या करना है। मतलब 3 पार्ट प्रोसेस है ये, 3 पार्ट्स में हमने अपने 60 दिन को डिवाइड करा है। अब एक एक करके ये सारी चीजें देख लेते हैं। सारे स्टूडेंट से भी मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सारे स्टूडेंट इसके नोट्स बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठे भाई। ऐसा ना हो कि तुम आराम से बेड में लेट के देख रहे हो, फिर कल फिर भूल गए, फिर वहीं से तुमने गलत चीजें चालू कर दी। जो जो जितना जितना बता रहा हूँ उतना उतना कर लो, बहुत चांसेस बन जाएंगे तुम्हारे इस बार सिलेक्शन लेने के। अब पहले 15 दिन की बात करते हैं। पहले 15 दिन में मेरा जो टाइम टेबल है वो क्या रहना चाहिए भाई। पहले 15 दिन में हम क्या करेंगे, हमारी जो तैयारी रहेगी वो प्रीलिम्स प्लस मेंस टुगेदर तैयारी रहेगी। अब मैक्सिमम मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होते हैं उसको ये समझ नहीं आता कि भाई मैं प्रीलिम्स और मेंस को भैया साथ में लेके कैसे चलूं। तो मैं एग्जैक्टली आपको वही आज टाइम टेबल दे रहा हूं कि भाई प्रीलिम्स मेंस साथ में लेके कैसे चलोगे। भाई यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स को। मैं मान के चलता हूँ कि तुम मुझे सुबह 6 बजे उठते हो या 7 बजे उठते हो या 7:30 बजे उठते हो, पर अराउंड 8:30 बजे तक तुम लोग आराम से पढ़ने बैठ सकते हो भाई। 8:30 बजे लेट नहीं है ना बहुत ज्यादा जल्दी है। 8:30 बजे तुम जब पढ़ने बैठते हो, तुम्हें सबसे पहले 2.5 घंटे का स्लॉट लेना है। यहाँ पे तुम्हें क्वांट को कवर करना है, ठीक है। हमने क्या बोला, प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलेंगे, तो उसका मैं बहुत डिटेल प्लान दे रहा हूँ। अभी जो 2.5 घंटे का हमारा समय रहेगा 8:30 से लेकर 11 बजे तक, तो इसको हमें 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेना। सारे स्टूडेंट लाइन बना के ऐसे 2 पार्ट्स बना लो। पहला जो एक पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीलिम सेंट्रिक, प्री लेवल की जो तैयारी होगी वो हम पहले 1 घंटे में करेंगे, और जो बाकी का 1.5 घंटा रहेगा वहां पे हम मेंस की तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। जो पहले का 1 घंटा रहेगा ना, उसमें जो मेन फोकस आपका रहेगा वो रहेगा आपका स्पीड मैथ्स के ऊपर। स्पीड मैथ्स मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। आपको डेली बेसिस पे आधे से 1.25 घंटा इनको देना है, जहां पे 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 10 से 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब आपको कम से कम 40 से 50 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन डेली लगाने हैं, तो इतना आपको गांठ बांध के अपने पास रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 से 3 प्रीलिम्स लेवल के DI सेट्स लगाने हैं। प्रीलिम्स लेवल DI आपको बहुत आराम से YouTube पे मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके टाइप करेंगे SBI PO प्रीलिम्स लेवल DI या RRB PO, IBPS PO प्रीलिम्स लेवल DI, आपको भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे भाई। अड्डा 247 चैनल है वहां मिल जाएगा, वाईफाई स्टडी चैनल है वहां मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं प्री लेवल का। आपको कोई मतलब कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो अगला 1.5 घंटा आएगा वहां पे हम करेंगे मेंस लेवल की तैयारी। वो हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से देख लो। मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ परेशान होता है भाई। यहाँ पे आपको टारगेट करने कम से कम 2 सेट हाई लेवल DI के डेली लगाने हैं। अगर टाइम ज्यादा बच जाता है तो 3 या 4 भी लगा सकते हो, पर 2 तो कम से कम सेट डेली लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेंस लेवल के पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे डेटा सफिशियंसी वाले, मतलब डेटा सफिशियंसी आता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और नीचे ऑप्शन होते हैं ओनली स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, ऐसा करके जो होते हैं वो मेंस में बहुत ज्यादा आता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, क्वांटिटी 1 लिखा होता है, क्वांटिटी 2, और यहाँ पे आगे पूरा एक मैथ का क्वेश्चन होता है, अरिथमेटिक या कोई भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, और नीचे ऑप्शन होते हैं भाई Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज इक्वल टू Q1, ऐसे करके आपके 5 ऑप्शन होते हैं, वो मेंस में बहुत आता है, उसकी तैयारी करनी है। आजकल नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पूरा अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है, बीच में एक ब्लैंक होता है, नीचे 5 ऑप्शंस होते हैं, वो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस है, वो करने हैं। या फिर नए पैटर्न के जो DI आजकल आ रहे हैं, स्कैटर DI हो गया, आपका केसलेट DI में आ जाते हैं नए पैटर्न के DI। केसलेट में आपको जैसे क्लोज टेस्ट आता है इंग्लिश में,
उस टाइप के डीआई आने लग गए हैं। इसके अलावा कैंडलस्टिक डीआई हो गया, रडार डीआई हो गया, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न के डीआई मेंस में बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाने, अरिथमेटिक के आप अगर किसी किताब से तैयारी करो भाई, मैं तो किताब सजेस्ट करता हूँ कैट एग्जाम की होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा या फिर निशीत के सिन्हा, ये दो किताबें हैं। इसके लेवल टू के आपको क्वेश्चंस लगाने, लेवल थ्री पे नहीं जाना है और लेवल वन के भी नहीं करने, इसके आपके लेवल टू के क्वेश्चन लगाने। जो भी चैप्टर आप उठाते हो कोशिश करो कम से कम 10 क्वेश्चन एक चैप्टर के एक दिन में आपको लगाने हैं, लेवल टू के क्वेश्चन डेली लगाने हैं। और ऐसे करके क्वांट में डेली सबसे पहले सुबह 8:30 से लेकर 11 बजे तक का 2.5 घंटे का स्लॉट इस तरीके से आपको डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप सारी चीजें बहुत क्लियर आउट होते चल रही होगी, बिकॉज मैंने बहुत बारीक तरीके से इस पूरे टाइम टेबल को डिजाइन करा है कि हर स्टूडेंट को समझ आ सके चीजें कैसे कैसे करते हुए चल रहे, ठीक है। अब जब आप इतना सारा टाइम दे चुके हो भाई, दिमाग इतना सारा खपा चुके हो, इसके बाद आपको करना है रेस्ट, आधे पौने घंटे का रेस्ट करो, इसमें चाहे तो नाश्ता करना है वो कर लो, जो भी आपको पसंद है भाई, आराम से लेटने का मन है, रिलैक्स करना है, मतलब यहाँ पे आपका जो फोकस रहना चाहिए कि आपको अपना माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स कर लेना है, मतलब बिल्कुल शांत कर लो, ऐसे जो थकावट वाली जो क्वांट से थक गए हो उस मन को शांत कर लो, ठीक है। घर वालों से बात करो, जो अच्छा लगता है करो, मन और बॉडी शांत करो। इसके बाद अगेन 1.5 घंटे का हमें स्लॉट लेना है, और ये वाला जो 2.5 घंटा रहेगा यहाँ पे हम करेंगे रीजनिंग की तैयारी। अगेन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 घंटा और 1.5 घंटा। इसको कैसे करेंगे वो देखो, जो पहला 1 घंटा रहेगा अगेन हम जैसे क्वांट में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स में जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उनको आप फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2 से 3 सेट आप लगाओ ब्लड रिलेशन के, इनइक्वलिटीज के, डायरेक्शन सेंस के, कोडिंग डिकोडिंग के, सिलॉजिज्म के, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, वर्ड्स स्वैप आ सकता है, मतलब जो भी इजी इजी टॉपिक्स होते हैं सारे मिसलेनियस में, और प्रीलिम्स लेवल में आप 2 से 3 सेट इन सारे टॉपिक्स से भी बहुत आराम से लगा सकते हो। सोर्स क्या है भाई, सोर्स तो आप बहुत आराम से यूट्यूब पे आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 प्रीलिम्स लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको लगाने, 2 से 3 सेट प्रीलिम्स लेवल के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डेली लगाने, मतलब इनमें कोई नागा नहीं होना चाहिए कि भैया आज मन नहीं करा, नहीं, ये तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अब ये भी अगेन आप YouTube पे आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, अड्डा 247 चैनल हो गया, अंकुश लांबा सर हो गए, सौरभ सर हो गए, पुनीत सर हो गए, इनमें से किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हो, 2 से 3 सेट प्रीलिम के बहुत आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अगला 1.5 घंटा करना है मेंस लेवल की तैयारी। रीजनिंग में मेंस लेवल का क्या करोगे, डेली कोशिश करो कि मेंस लेवल जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन अकेले मेंस में आते हैं उनको फोकस करो। जैसे आजकल हाई लेवल या कोडेड इनइक्वलिटीज आ जाती हैं, कोडेड आपके कोडिंग डिकोडिंग आ जाते हैं, कोडेड वाले डायरेक्शन सेंस आ जाते हैं, कोडेड वाली सिलॉजिज्म आ जाती है, रिवर्स सिलॉजिज्म आ जाते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाता है, तो वो सारे जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, वो हम मेंस में टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 2 से 3 सेट मिसलेनियस लेवल जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको हम टारगेट करेंगे, प्लस हाई लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन यहाँ पे 2 पजल्स हमें टारगेट करते हुए चलने हैं। अगर टाइम बच जाता है तो उसको 3 या 4 भी कर लो, पर मिनिमम एटलीस्ट लिख देता हूँ, चलो एटलीस्ट 2 तो लगाने ही लगाने हैं, उसके अलावा टाइम बच जाता है ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम इतना करते हुए आपको चलना है। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट होता है वो अकेले मेंस में बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं 1 घंटा और 1.5 घंटे में डिवाइड करोगे, 1 घंटा प्रीलिम्स की तैयारी, 1.5 घंटा मेंस की तैयारी, और ऐसे करते करते 2 बजे के आसपास तक तुम्हारा क्वांट भी 2.5 घंटे का एक स्लॉट हो जाएगा और 2.5 घंटे का तुम्हारा रीजनिंग का स्लॉट हो जाएगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया रीजनिंग और क्वांट तो हो गया, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, भाई मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, इस टाइम पे जो तुम सबसे बड़ी गलती कर सकते हो ना कि तुम इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ दो, उसके बाद तुम पूरे टाइम क्वांट को दो, पूरा टाइम रीजनिंग को दो, तुम दिन रात इनकी मेहनत करो और फाइनल रिजल्ट जिस दिन आएगा तुम्हारे रिजल्ट पे लिखा होगा सॉरी यू आर नॉट अलॉटेड एनी बैंक, क्यों, बिकॉज भाई तुम डायरेक्शन में मेहनत तो कर रहे हो पर वो डायरेक्शन गलत होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट मैं देखता हूं जो यही गलती करते हैं और उनको 2-3 बार फेल होने के बाद ये बात समझ आती है कि यार इंग्लिश और करंट अफेयर छोड़ के सबसे बड़ी गलती करी थी। तो आप चाहे इनको डेली टाइम कम दो, कम टाइम दो, पर डेली टाइम देना ही देना है, और ये जो मैं आपको रूटीन दे रहा हूं ना इसमें हमने टाइम कम कम ही दिया है भाई, 1.5 से 1.75 घंटा करंट अफेयर्स दिया है, 1 घंटे के आसपास इंग्लिश को दिया है, मतलब मोटा मोटा 2 घंटे से भी कम टाइम तुम्हें इन दोनों सेक्शन को मिला के देना है। फुली टाइम नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और ये मैं लिख के दे सकता हूं कि भाई इस टाइम में जो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे स्काई रॉकेट रॉकेट बन जाएंगे चांसेस, पर वहीं अगर छोड़ के चलते हो तो फिर भाई मेरी गारंटी नहीं है, फिर भाई तुम्हारी जो मर्जी होती है तुम वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हो तुम क्या करोगे भाई, देखो तुमने लंबा ब्रेक लेना है बिकॉज 2 बजे तक तुम 2 बड़े बड़े सेक्शंस निपटा चुके हो, यहाँ पे तुम लंबा ब्रेक लो आराम से जो 2 बज गए थे, इसके बाद 3:30-4 बजे तक का एक तुम लंबा ब्रेक लो, 4 बजे से या 3:30 बजे से वापस पढ़ने बैठो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक लंबा 1-1.5 घंटे का सेट लेना है, एक स्लॉट बनाना है, वहां पे तुम्हें
इंग्लिश की तैयारी करनी है। इंग्लिश में जो तुम्हारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रीडिंग के ऊपर, ठीक है। रीडिंग में तुम कैसे करोगे, यहाँ पे तुमने एक हफ्ते को ना डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, रीडिंग एक हफ्ते मान के चलो 7 दिन है, तो 7 दिन में से कोशिश करो कि 5 दिन तुम रीडिंग करो, ठीक है। 5 दिन तुम रीडिंग करो, बाकी जो 2 दिन बच गए वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मान के चलो यहाँ पे तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेते हो, पैरा जंबल प्रैक्टिस करते हो, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कनेक्टर्स, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स की तैयारी तुम करोगे मात्र 2 दिन के लिए। पर पहले जो 5 दिन रहेंगे वो तुम्हें फोकस करना है यहाँ पे रीडिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वो भी होंगे जो हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आप वो सेम चीज हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे वो स्टूडेंट में फोकस कर रहा हूँ जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आरआरबी में हमेशा देखा गया है कि इंग्लिश का जो लेवल होता है ना वो हिंदी से थोड़ा कम होता है। मतलब इंग्लिश थोड़ी इजी आती है, पर जो यहाँ पे हिंदी का लेवल होता है वो इतना ज्यादा होता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट खुद अंग्रेजी से पेपर देने चले आते हैं कि हिंदी नहीं समझ आ रही वहाँ पे। तो इसलिए मेरा भी फोकस हमेशा रहता है कि आप लोग इंग्लिश से तैयारी करो कंफर्टेबल हो तो, और इंग्लिश की तैयारी कैसे करोगे, एक हफ्ते को 5 दिन में कैसे डिवाइड करोगे, 2 दिन में कैसे डिवाइड करोगे, वो भी मैंने, ठीक है। इसके बाद अगेन आप एक लंबा ब्रेक लेंगे, बिकॉज लगातार तैयारी के बाद आप लोग बार बार देखेंगे इस रूटीन में, एक तैयारी का स्लॉट, फिर ब्रेक, फिर स्लॉट, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक। हमेशा मैं खुद जैसे पढ़ता हूँ, एक पढ़ाई के स्लॉट के बाद ब्रेक मैं लगातार लेता ही लेता हूँ, जरूरी लेता हूँ, वही सेम चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इस पर 7 बजे से आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि या तो आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लो या फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। अभी ऑल्टरनेट डेज मैंने इसलिए लिखा है, जैसे मान के चलो आज आपका दिन अच्छा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब इंग्लिश भी अच्छे से हो गई, क्वांट भी अच्छे से हो गई, रीजनिंग भी अच्छे से हो गई, तो मैं बोलूंगा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। फुल लेंथ में तो आपको क्या क्या मिलेगा, अकेले क्वांट मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश तो मिलेगा नहीं। या फिर एक सेक्शन लगा लो, यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार कल मैंने क्वांट और रीजनिंग लगाया था, तो एक 15 मिनट या 20 मिनट का इंग्लिश का भी एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, इंग्लिश की भी तैयारी हो गई। प्लस ये आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना है, मतलब हर दिन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट या सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं देना, हर एक दिन, मतलब आज मॉक टेस्ट दिया कल नहीं देना है, फिर मॉक टेस्ट दिया फिर नहीं देना, मतलब एक दिन जो बीच का ब्लैंक हो रहा है वो ब्लैंक मैंने दिन किस लिए रखा है, बिकॉज इस ये जो ब्लैंक वाला दिन है, जो खाली वाला दिन है, यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर की तैयारी करोगे। कंप्यूटर को कोशिश करो डेली आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम दो, 1 से 1.5 घंटे का टाइम दो, आराम से 15 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारा पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा होता ही नहीं है। इसके लिए अगर सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको बहुत आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो हर जगह आपको मतलब पीडीएफ पे पीडीएफ मिल जाते हैं, वो पीडीएफ आपको ऊपर से स्टार्ट से एंड तक पढ़ना है, सारा काम हो जाएगा, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर नहीं आता है। 15 दिन के अंदर अगर डेली 1 से 1.5 घंटा दोगे, मतलब ये जो ब्रेक वाला टाइम, मतलब हर एक दिन के बाद जो एक दिन ब्रेक ले रहे हो, अगर इस दिन में भी कंप्यूटर कर लेते हो, 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही देना है, 15 दिन के अंदर कंप्यूटर का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे करते हुए देखो, हमने सारे सेक्शंस का प्री भी कर लिया, मेंस भी कर लिया, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग भी कर लिया, और अभी तक कंप्यूटर भी कर लिया, ठीक है। यहां तक आप सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद डिनर कर लो, 9:30 बजे तक फ्री हो जाओ खाना खुना खा के, 9:30 से 10:30 भाई मुझे आपका 1 घंटे का समय कम से कम चाहिए करंट अफेयर्स, मतलब जनरल अवेयरनेस को देना है। यहाँ पे तो चाहे करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ लो, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, या गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लो, जो आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे करंट अफेयर्स को टाइम देना ही देना है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स चाहते हो तो गवर्नमेंट स्कीम का बहुत अच्छा पीडीएफ हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अंडर प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या चाहते हो आप लोग, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पीडीएफ हम लॉन्च कर दें। इसी के साथ करंट अफेयर्स के लिए अपना मई मंथ का, अपना वीकली और अपना मंथली सारा का सारा अपलोडेड हो गया है, वहां से जाके आज ही डाउनलोड कर लो, सारा का सारा पढ़ना चालू कर दो। डेली बेसिस पे 1 घंटे का समय आप लोग को करंट अफेयर्स को देना ही देना है। इसका सोर्स आप अल्फा बैंक का करंट अफेयर्स या फिर अफेयर्स क्लाउड करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। अब आपका अगला डाउट ये होगा कि भैया जिस दिन हम मॉक टेस्ट करेंगे भैया क्या हम उस दिन कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, तो बरखुदा ऐसा नहीं है। जिस दिन अगर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया, तो आखिरी का जो स्लॉट होगा आपके दिन का, मतलब आखिरी का जो आधा पौने घंटे का टाइम होगा, वो आप लोग कंप्यूटर को दे सकते हो। इतना करते हुए चलोगे, इतना आपको पहले के 15 दिन में करना है, बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइम टेबल नहीं रखना है, पर फिर भी ये जो टाइम टेबल है आपका आराम से 8 से 9 घंटे के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज सारी चीजें कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, क्वांट कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, प्री कर रहे हो, मेंस कर रहे हो, तो 8 से 9 घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी में इतना टाइम लगता ही लगता है, और अगर तुम सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो तो भाई इतना टाइम तुम दोगे ही दोगे। सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या तुम इस बार सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो या नहीं हो। भाई सीरियस हो तो लिख के बताओ कि हाँ भैया मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ इस बार सिलेक्शन को लेकर, और नहीं हो तो लिख के दो कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ नीचे कि तुम लोग कितने सीरियस हो इस बार सिलेक्शन को लेकर।
पहले 15 दिन इतना सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, हर चीज के बारे में मैंने बता दिया। अब अगले 30 दिन तुम क्या करोगे भाई, अगले जो 30 दिन होंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फुल फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन, मेन फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं अकेले प्री प्लस मेंस की तैयारी नहीं करूंगा, यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो मेंस पे ज्यादा रहेगा प्री से। कैसे रहेगा वो बता देता हूँ भाई। यहाँ पे आप सबसे पहले अगेन तैयारी करोगे, जो क्वांट की तैयारी आप रखोगे वो 3 घंटे का आपका रहेगा एक स्लॉट। इस 3 घंटे को ना आपको 1 घंटा और 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करो, ऐसे लाइन बना के लिखो 1 घंटा 2 घंटा। ये जो 1 घंटा आपका है यहाँ पे आप करोगे अकेले प्रीलिम्स की तैयारी, पर 2 घंटे का जो बड़ा वाला स्लॉट है यहाँ पे आप तैयारी करोगे मेंस लेवल की, ठीक है। तो ये आप सुबह उठ के जैसे भी मान के चलो 8-8:30 बजे उठ जाते हो तो यहाँ पे 3 घंटे का एक लंबा स्लॉट बनाओ। हाँ ये भी आपको बोल देता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अब तुम लंबे लंबे स्लॉट्स बनाने चालू करो, बिकॉज जो मेंस एग्जाम होता है वो लंबा होता है भाई, 3 घंटे के आसपास का एग्जाम है, तो तुम्हें एक जगह बैठ के उतनी बैठ के आदत होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि मेंस लेवल की तैयारी करता था मैं, और इसलिए मेरा हमेशा दिमाग में यही चलता था कि खुद को आदत डालो, एक जगह बैठने की आदत डालो। इसे कोशिश करो जो 3 घंटे का स्लॉट है इसमें ज्यादा बार तुम ना उठो। बोल सकते हो कि यार 1 घंटे की तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, इसके बाद 10-5 मिनट का ब्रेक लो और फिर 2 घंटे का जो मेंस का स्लॉट है वो तुम एक एक बार में पूरा कर लो, ठीक है। इस तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद अगेन तुम चले जाओगे अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए, यहाँ पे तुम करोगे रीजनिंग। अगेन वही 3 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 घंटा प्रीलिम्स 2 घंटा मेंस। इंग्लिश कैसे करोगे, इंग्लिश को तुम्हें यहाँ पे डेली 2 घंटे का समय देना है, ठीक है। मेंस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ, पर अगर आप हिंदी से तैयारी करते तो आप हिंदी सुनते हुए चलिएगा, मतलब जहां जहां मैं बोलता हूँ इंग्लिश की तैयारी करो आप समझ लेना, आप अपने नोट्स में लिखो हिंदी की तैयारी करनी है। हिंदी में डेली आपको 2 घंटा देना है या इंग्लिश में 2 घंटा देना है। यहाँ पे जो आपका मेन फोकस रहेगा वो सबसे पहला रहेगा रीडिंग पे, प्लस ग्रामर पे, प्लस प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ये 2 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब 1 घंटा कर लो रीडिंग, जो बाकी का 1 घंटा है वो कर लो प्रैक्टिस, इस पार्ट से डिवाइड करते हो चलो। किसी दिन अगर रीडिंग नहीं करते हो तो उस 1 घंटे में कर लो ग्रामर, और इस तरीके से आगे करते हो चलो चीजें, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को देना ही देना है, मतलब जनरल अवेयरनेस लिख देता हूं, तुम्हें यहाँ पे 1.5 घंटा देना है, बिकॉज मेन सेंट्रिक तैयारी तुम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हो। इस 1.5 घंटे में तुम करंट अफेयर्स करोगे और बैंकिंग अवेयरनेस करोगे, इन 2 चीज पे फोकस करोगे। करंट अफेयर्स में अगेन तुम गवर्नमेंट स्कीम, बजट और बाकी सारी जितना पीडीएफ में होता है वो सारी चीजें करोगे। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, कपिल काटपाल सर का वीडियो है, सुप्रियो पांडा का वीडियो है, इसके अलावा अपना कुश सर का वीडियो है, अपने अनिल अग्रवाल सर का वीडियो है। तो जो आपको वीडियो पसंद है, 7-8 घंटे के आपको यहाँ पे मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे, उस क्लास को कर लो। कोई भी पेड कोर्स बैंकिंग अवेयरनेस के लिए लेने की जरूरत नहीं है, बस करंट अफेयर्स के लिए पीडीएफ खरीद लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब देखो आप जो पूरा ऊपर से नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारा मेंस वाला जो काम है वो तो ज्यादा हो रहा है, पर प्रीलिम्स पे हमारा उतनी मेहनत नहीं हो पा रही यहाँ पे, क्योंकि हम मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम अब जो अगले 30 दिन होंगे हम डेली एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पहले 15 दिन में कंप्यूटर खत्म कर लिया है उसका डेली 15-20 मिनट दोगे, 15-20 मिनट में उसका डेली रिविजन करोगे, यहां तक करोगे। इसके साथ देखो नीचे क्या लिखा है, एवरी सैटरडे 1 मेंस मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, मतलब एक सैटरडे का दिन पकड़ो, तुम सुबह से रात तक तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि तुम्हें एक फुल मेंस मॉक टेस्ट लगाना है प्लस उसका डिटेल में एनालिसिस करना है, ये काम करना तुम्हें ऊपर सुबह से रात तक, इतना काम कर लो बस, उतने में मेरा मैं खुश हो जाऊंगा कि तुमने सैटरडे को एक मेंस का मॉक टेस्ट लगा लिया प्लस उसका एनालिसिस कर लिया। सबसे मुश्किल चीज है इतना, अगर तुमने ये कर लिया ना भाई तो तुम मानो तुम बहुत आगे निकल जाओगे, मतलब उस 30 दिन में 4 हफ्ते होते हैं और 4 हफ्तों में 4 सैटरडे, मतलब 4 मेंस के मॉक टेस्ट प्लस उसका डिटेल एनालिसिस तुम्हें हर सैटरडे को करना है, उसके अलावा कुछ मत करो सैटरडे को, ठीक है। इसके साथ ही साथ संडे को जो भी तुमने ऊपर से नीचे चीजें पढ़ी हैं, जो भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई नया फॉर्मूला पढ़ा है, कोई नई शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, जो भी कुछ पढ़ा है संडे को लाइट रखो, जो भी पढ़ा उसको बस रिवाइज कर लो, दैट्स इट, उससे अलावा कुछ नहीं करना। अगले 30 दिन मेन सेंट्रिक तैयारी कैसे करोगे मैंने वो भी बता दिया। इसके बाद जब आगे चलोगे ना तो आगे तुम्हें बहुत डिसेंट चीजें यहाँ पे मिलेगी, ये वाला पॉइंट तुम्हें कोई नहीं बताता, बिकॉज आखिरी के 15 दिन में क्या होगा, तुमने अभी तक पहले 15 दिन क्या करा, प्री प्लस मेंस, अगले 30 दिन क्या करा, अकेले मेंस। अब हुआ क्या कि तुम्हारी प्री प्लस मेंस या मेंस की तैयारी बहुत ज्यादा हो गई पर प्री की तैयारी ज्यादा नहीं हुई, तो आखिरी के जो 15 दिन है तुम्हें प्री सेंट्रिक तैयारी ही करनी, मतलब फुल फोकस यहाँ पे होके प्रीलिम्स को देना है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। वो कब लगेगी, जब तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। तो आखिरी के 15 दिन तुम्हारा जो मेन फोकस रहेगा वो अपनी स्पीड बढ़ाने पे रहेगा, मॉक टेस्ट लगाने पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन बनाओ,
चाहे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन यूट्यूब पे बना लो, अगर कोई पेड कोर्स ले रखा है तो वो पेड कोर्स पे बनाओ, पर यहाँ पे मेन फोकस रखो कि आखिरी 15 दिन में मेंस को छोड़ दो, पूरा फोकस प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स के ही लेवल के क्वेश्चन लगाओ, प्रीलिम्स लेवल के डीआई लगाओ, प्रीलिम्स की पजल बनाओ, तो मतलब सब कुछ प्रीलिम्स का करो, और आखिरी 15 दिन आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना, जीके भी नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपको बस और बस पढ़ना है क्वांट प्लस रीजनिंग आखिरी 15 दिन। और डेली क्या करना है, डेली आपको दो मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, दो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्लस उनका डिटेल एनालिसिस। इतना क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम लोग कर लोगे? भाई जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ, यस सर हम इतना कर पाएंगे, या नो भैया हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत हेक्टिक लग रहा है। क्या तुम इतना कर सकते हो कि डेली अपने सपनों को हासिल करने के लिए 8 से 9 घंटा तैयारी कर सकते हो, हाँ या ना? जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या इतनी मन में हिम्मत है, क्या इतनी आग है कि इस बार सिलेक्शन लेना है? अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं तुम्हारे कमेंट का, यस वाले कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज इससे ज्यादा डिटेल टाइम टेबल पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इससे बारीक टाइम टेबल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें टाइम टेबल पसंद आए तो इस टाइम टेबल को जल्दी से लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज तुम्हारा एक सब्सक्राइब करना मुझे बेइंतहा मोटिवेट करता है। तो गाइस इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंक के चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।